रक्षाबंधन सभी मेरी YouTube फैमिली को, सभी को रक्षाबंधन बहुत बहुत शुभ हो और रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। और जो कि जिनके यहाँ ये त्यौहार होता है उन्होंने कैसे अपनी रक्षाबंधन सेलिब्रेशन किया, तो देखिए हम दोनों नंद भावच किचन में हैं क्योंकि भाई को ऑफिस जाना है। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो और सभी के लिए शुभ हो। सभी भाई अपने बहनों से राखी बंधवाएं और भाभियों को बांधे बहने। और यहाँ पता नहीं हमें क्यों हंसी इतनी आ रही है। और देखिए जब भाई ऑफिस जा रहे थे हम लोग उस पास 5:30-6 बजे उठ गए थे क्योंकि भद्रा काल शुरू होने से पहले ही राखी बांधनी थी और 7:30 बजे तक का समय था। तो मैंने भी अपने भाई को राखी बांधी क्योंकि भाई को ऑफिस जाना था फिर। और पता नहीं किस बात पर तूने बोला ना 5 करोड़ देगा। अमीर आदमी देखा नहीं कि भिखारी की तरह भीख मांगना। रक्षा बंधन आ रहा है मेरे महादेव, मेरे भाई को हमेशा खुश और सुरक्षित रखना, और कुछ नहीं चाहिए मुझे आपसे। हंसी आ रही थी, हम हंसे जा रहे थे, रील शूट कर रहे थे तो रील शूट नहीं हो पा रही थी गाइस। और उसके बाद हमने 2-3 रील और शूट की पर वो ठीक से नहीं हुई। तो गाइज इसके लिए सॉरी। और आपका भी रक्षाबंधन का जो समय होगा आपको पता होगा शायद, बट कुछ पंडित जी कह रहे थे कि, और देखिए फिर अब 7:30 बजे भी क्योंकि तिथि है तो पूरा दिन ही रहेगा रक्षाबंधन का। तो गाइज बस अब ओमी को बांधने के रेडी राखी। और अमित भाई को मैंने मैसेज करके ही रक्षाबंधन की राखी दिखाकर हैप्पी रक्षाबंधन कर दिया था। वही रील आपके सामने चल रही है गाइस। और देखिए ओमी आ गए हैं हमारे हीरो और रिद्धि लगा रही है टीका ओमी को। और थोड़ी ओमी की तबीयत ऐसी हो रही है, पेट वेट में थोड़ा दर्द है उसको, थोड़ी कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो अब देखिए टीका तो लगा दिया, वो चावल उतार करके और फिर दोबारा से मैंने कहा एक फोटो क्लिक कर लेते हैं। तो खैर ओमी ने करा लिया। और उसके बाद दीदी ने कहा कि अरे ये कुछ कर चल रहा है इनका डिस्कशन आपस में। तो जी देखें हो रहा है राखी। और ये देखिए बुआ का नंबर भी आ गया है और मैंने चश्मा उतारना ध्यान ही नहीं रखा और चश्मे में ही मेरी फोटो क्लिक हो गई है और चावल जो मैंने टिका पर लगाए थे वो गिर गया मम्मी के पास आसपास। तो देखिए अब मैंने भी राखी बांधी है। तो इस तरह से हमारा जो है रक्षाबंधन सेलिब्रेशन हो गया। और इससे पहले भी एक दो बार शायद मेरा दिल्ली में ही रक्षाबंधन का त्यौहार पड़ा था गाइस। तो ये छोटी छोटी मेमोरी होती हैं जो हम रख लेते हैं सेव करके। तो गाइज मैं प्रीति को बोल रही कि तुमने बताया क्यों नहीं कि मैंने चश्मा लगाया हुआ है, मैंने ऐसे ही फोटो क्लिक करा दी और मेरा फेस देखिए कैसा बन रहा है। ओमी कह रहा मैं तो रसगुल्ला नहीं खाऊंगा, बट कहा थोड़ा सा खा लो, कह रहा पेट में थोड़ा मेरे ठीक नहीं है मामला। तब ओमी भी कॉलेज जाने के लिए रेडी है और ओमी भी निकल पड़ा है और देखिए मुझे गिफ्ट दे रहा है। मैं कह रही हूँ अभी क्या तुम कोई कुछ कमाने लगा है, भाई जब कमाएगा जब ही तो लूंगी मैं, बट बच्चे हैं आजकल देने के लिए, बच्चे बुआ को तैयार रहते हैं ये छोटे छोटे बच्चे भी। और रिद्धि के लिए तो ओमी ले आया था एक बिस्किट का पैकेट लेकर के आया था और छुपा छुपा के रख रहा था कि दीदी को दूंगा, सरप्राइज है। और देखिए हम बुआ भतीजी फोटो क्लिक करा रहे हैं और पंखे में मेरे जो ये कुर्ती है बिल्कुल हिल रही है। और देखिए सुबह वाली रील फिर से इसमें आ गई है गाइस। तो हमारा रक्षाबंधन तो ऐसा रहा, आप लोगों को कैसा रहा गाइस आप भी बताइएगा और मेरे पास भात देने के लिए जब आए थे भात भरने के लिए तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि भाई देवबंध है। तो गाइज आप सभी की रक्षाबंधन खूब अच्छे से सेलिब्रेशन करें आप, मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से। और सब
खुश रहें, हेल्दी रहें। एक बार फिर से आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपकी जितनी भी विशेज हैं सब पूरी हों, और सभी के भाइयों की भी विशेज पूरी हों गाइज। तो गाइज देखिए, हम तीनों बहन भाइयों के पिक्स हैं ये, जब मैं भात नोतने देवबंद गई थी, और इन पिक्स को देख करके देखिए पुरानी मेमोरी याद हो आती है, और रिद्धियों में कभी ये रक्षाबंधन का ही पिक है। तो गाइज इसी के साथ इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट ब्लॉग में या फिर किसी